हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। क्योंकि मैं जो इनविजिबल एलाइनर का ट्रीटमेंट करवा रहा था तो वो फेल हो गया है, और मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। थोड़ा हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए। हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा मैंने एक और चीज अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश की थी कि जो गैप है मेरे दांतों में, कि ये कम हो जाए। मेरे दांतों में ऐसी कोई क्राउडिंग या ओवरग्रोन दांत नहीं है कि बहुत ज्यादा मेरे को बाइट में प्रॉब्लम हो या कुछ हो, बट ये दांत और ये गैप दो चीजें मुझे प्रॉब्लम करती है। बाकी मेरे दांत ठीक हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जो मैंने शुरुआत में अपना जो इनविजिबल अलाइनर लेने की कोशिश करी थी, वो लेने की कोशिश करी थी स्माइल लव करके एक कंपनियों से। तो स्माइल लव कंपनी के अलाइनर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव थे और उनका कस्टमर सर्विस सबसे अच्छा था, और वो करीब आते थे 1600 अराउंड डॉलर के। तो मैंने लिया था, बट पेंडेमिक जैसे ही मैंने परचेस किया था फरवरी में, और मार्च में जो है पेंडेमिक हिट कर गया। तो पेंडेमिक हिट करने के कारण वो कंपनी हो गई बंद। अब कंपनी बंद हो गई तो उन लोगों ने मेरी को कुछ भेजा ही नहीं। पैसे तो पेमेंट हो गया, पेमेंट से मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा भी कट गया और क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुकता हो गया देर समय, बट उन लोगों ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। बात आई गई हो गई, वो कुछ हुआ नहीं अभी। एक और बात, ये देखिए आप बैकग्राउंड, ये अच्छा बैकग्राउंड है काफी। घर में बैठ के वीडियो बन जाता है अपनी सुविधा से, लेकिन मैंने सोचा कुछ चेंज किया जाए और यहाँ पे एक नया वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ क्या कि फिर भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने स्माइल डायरेक्ट क्लब से खरीदा, क्योंकि स्माइल लव टोटली ऑनलाइन था और वर्चुअल आपका कंसल्टेशन होता था, वर्चुअली आपका सब कुछ गाइड किया जाता था। तो स्माइल डायरेक्ट क्लब एक और कंपनी है जो कि काफी रेप्यूटेटेड और पुरानी कंपनी है, और उसके ऑफिस भी हैं जहां पर टीथ की स्कैनिंग होती है। स्माइल लव में मेरे टीथ की स्कैनिंग मैंने खुद करी थी, इम्प्रेशंस बनाकर भेजे थे, बट स्माइल डायरेक्ट क्लब में मुझको जाना था और उनके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो एक स्कैन ले लेते हैं दांतों का, और वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी हुआ है कि उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो उनका स्कैनिंग सेंटर पे गया मैं, और स्माइल डायरेक्ट क्लब के अलाइनर की कीमत थी 1950। जो मैंने डिस्काउंट लिया जैसा लिया, वो मैंने एक और वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको स्माइल डायरेक्ट क्लब का एलाइनर जो कि 2000 ऑलमोस्ट 2000 डॉलर का, 1000 के अंदर चाहिए, आप मेरी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, गारंटीड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एटलीस्ट 500 डॉलर का तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। बट उससे आगे बढ़ते हैं, तो 2000 मैंने उसमें पे किए, बट डिस्काउंट ले लिया वो बात अलग है। बट कॉस्ट देखा जाए तो प्राइस अभी तक 3500 मेरे इनविजिबल एलाइनर ट्रीटमेंट की पहुंच चुकी है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डीप क्लीनिंग करानी होती है, डीप क्लीनिंग करवाया, बट अभी मुझको उतना आइडिया नहीं था कि फ्लॉसिंग क्या है, फ्लॉसिंग कैसे करना है, तो दांतों में काफी टार्टर फिर से जम गया था। अब देखा जाए तो अगर आपके गम्स में टार्टर जमा हुआ है तो उसको डेंटिस्ट बोलता है गम डिजीज। अभी वो डेंटिस्ट से डिस्प्यूट करने का कोई मतलब नहीं है कि ये नहीं होता वो नहीं होता, उनका कहना होता है आपको गम डिजीज है। फिर से डीप क्लीनिंग कराए, उसमें अलग $300 अलग से लगे, तो हो गया ऑलमोस्ट 4000, और उसके अलावा और बाकी चीजें तो छोड़ो, ऑलमोस्ट 4000 का मेरा खर्चा हो गया। तो हुआ क्या है कि बट जब पहले दो सेट लगाने के बाद, आपका एक हफ्ते का सेट होता है, 5 महीने का ट्रीटमेंट होता है, एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा सेट चेंज होना है, तो मेरे जो ये मसूड़े हैं, मैं आपको यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, तो जो मसूड़े हैं मेरे वो बहुत ज्यादा ब्लीड करते थे। तो मैंने सोचा ठीक है आज ब्लीड कर रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट हो रहे हैं इसीलिए करेंगे, और मैं उनकी कस्टमर केयर से भी कॉन्टेक्ट करता था, बोलते थे यस इट इज नॉर्मल, वो ब्लीड होता है तो ये है वो है, तो बोले होगा ब्लीड कर। तो एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, तीन हफ्ता हो गया, ऑलमोस्ट 8 हफ्ते तक मेरे गम्स ब्लीड करते ही थे। तो बहुत आपको फोटोज एक दो शेयर करूंगा, तो अगर गम्स ब्लीड कर रहा है ना, तो आप ना खाना खाने की इच्छा होगी, पूरा मुंह में ऐसा ब्लड का स्वाद बना रहेगा, आपको मैं फोटोज दिखाऊंगा तो आप शायद डर भी जाओ, और दांत हिलने लगे मेरे। अभी दांत हिलने लगे, फिर से मैंने कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट किया, भाई दांत हिल रहे, बोले ऐसे हिलते ही है दांत, मूव हो रहे हैं तो हिलेंगे और ये और वो वाले, आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत है। मैंने कहा एक तो मसूड़ों से दिन रात खून निकल रहा, ऊपर से दांत हिलने लग गए, उसके ऊपर से भी अंदर खुरपा डाल के खोरेगा तो दांत ही बाहर ना आ जाए। ऐसे दांत तो हैं जो सही हैं, कम से कम चबा तो पा रहे हैं, अभी देखा ये ज्यादा होशियारी के चक्कर में देखा दांत ही टूट गए, नकली दांत और अलग अलग सर्जरी करवा के लगवाना पड़ रहा। तो अभी जब 2.5 महीने करीब हो गए मुझे इनविजिबल एलाइनर का ट्रीटमेंट करते हुए, मेरे काफी दांत ये नीचे वाला तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया था, तो बहुत ज्यादा मुझको ना प्रॉब्लम हो रही थी, गम्स कट गए थे यहाँ से, अभी एक घाव होगा यहाँ पे, दूसरा घाव होगा वहां पे, तीसरा घाव होगा वहां पे,
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी, एक तो दांत हिल रहा है, ऊपर से आप खाना भी नहीं खा पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे तो वजन अलग गिर रहा है, वजन अलग गिर रहा है, डर लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट, खाना ही नहीं खा रहे हो, बॉडी एकदम कुपोषित हो गई है, तो आप क्या बोलते हैं ब्लड कम हो गया और बाल झड़ गए, वो एक दांत सही हुए नहीं, देखा बाल ही और उतर गए पूरे। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा यार, मैंने कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने बोला आप डॉक्टर को दिखाओ। पर कोई आपसे पैसा लेने के चक्कर में, मैं ऑलरेडी $4,000 डाउन हूँ, ऊपर से मेरे को कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, ऊपर से मैं गम्स ब्लीड कर रहे प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन नहीं, डॉक्टर अलग ही लगा पड़ा, बोलते आपको गम डिजीज है, आपके गम्स की सर्जरी होगी, तो ये होगी तो वो होगी। उन्होंने बोला कि गम्स आपके सही नहीं है, मैंने कहा ठीक है, बोले आपको ट्रीटमेंट स्टॉप करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा बोला, मैं गया डेंटिस्ट के पास कि पहले आप ट्रीटमेंट स्टॉप करो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा ठीक है, सही बोल रहा है, गलत तो बोल नहीं रहा है, तो मैंने ट्रीटमेंट स्टॉप किया। फिर उन्होंने मेरी डीप क्लीनिंग करी, डीप क्लीनिंग करी तो ऐसा खोदा है दांत को अंदर से, मतलब क्या बोलूं, ऐसा लग रहा था जीवन भर से, जबकि मैंने ट्रीटमेंट चालू होने के एक महीना पहले ही डीप क्लीनिंग करवाई थी। अब वो डॉक्टर ने अच्छी डीप क्लीनिंग नहीं करी, कि ये ने ज्यादा खोद दिया, पता नहीं भाई, बहुत ही परेशानी। तो मैंने फिर क्या डीप क्लीनिंग ऐसी करी, मैंने बोले एक डेढ़ हफ्ते तक वो लगाना नहीं। अभी ढाई महीने की प्रोग्रेस जो थी मेरी डीप क्लीनिंग करवाने के बाद, डेढ़ हफ्ते में वापस हो गया था पूरे। मतलब आप सोचो कि आप प्रोग्रेस करते हो धीरे धीरे ब्लीड करते हुए गम्स को, या फिर जिनके नहीं होते हुए उनका अच्छे से रहता हो, ढाई महीने तक आप आगे आए और वो डेढ़ हफ्ते के अंदर पूरे दांत वापस वैसे सेट हो गए, जैसे आपको देखना वैसे ही सेट हो गए। मैंने देखा ना आपके, तो पहला भी ढंग से, जो फर्स्ट ट्रे थी मेरी वो भी ढंग से नहीं आ रही। मैंने कहा यार बहुत ही परेशानी, तो मैंने वो ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया। मैंने कहा यार जैसे दांत है ठीक है, चबा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, खुश हैं अपन अपनी बॉडी में, वो मैंने ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार अभी मैंने ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया, मैं दोबारा रिस्टार्ट कैसे करूं? तो अब भाई डॉक्टर ने तो पहले बोल दिया था कि अपना बंद कर दो, बोलता वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरे से तुमने खरीदा नहीं, मैं कुछ करूंगा। मैंने कहा यार आप ही ने बोला स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद अपन देखते हैं। अब आप बोल रहे हो मैं नहीं देखूंगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मेडिकल फील्ड में ना। तो मेरा ये ट्रीटमेंट फिर मैंने बंद कर दिया और फिर मैंने गिव अप ही कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा था। मैंने कहा बाद में ही करूंगा अभी, फिर क्योंकि ऑफिस भी मेरा दोबारा से चालू हो गया था, मैं बहुत बिजी भी था, तो फिर मैंने अभी नहीं करा, तो बंद कर दिया। तो मेरे दांत जैसे थे वैसे ही वापस आ गए, पूरी प्रोग्रेस खत्म हो गई और अपना $4,000 के आसपास डाउन, और रिजल्ट जो है वो जीरो है। इसको बोलते हैं इनविजिबल एलाइनर फेलियर स्टोरी। तो ये है मेरे इनविजिबल एलाइनर का कंप्लीट लॉस और टोटल फेलियर की स्टोरी। तो अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। अभी के अभी वीडियो बना लेता हूँ जिससे पोस्ट करने में आसानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि आप कैसे, जो मैंने अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से समझा है कि आप अपना फेलियर कैसे बचा सकते हो, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में।